हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। आपके अपने चैनल में स्टैंडर्ड फूड सीता में सभी का स्वागत है। तो हम बनाने वाले हैं आज बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये खाने में और देखने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने भीगी हुई एक कटोरी मटर ली है, वो भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। हमने मटर पहले से भिगो कर रखी थी, आप देख सकते हैं। इसको हमने कुकर में डाला है। कुकर में डालने के बाद यहाँ पर हमने कच्चे आलू लिए हैं, वो भी हमने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिए हैं। इनको हमें उबालना नहीं है, उबालने से आलू ज़्यादा हो जाते, बेकार लगते हैं खाने में। इसी को हमने लच्छेदार आलू कस करना है इसी कुकर में। ऐसे ही हमें सारे आलुओं को इसी में, कच्चे आलुओं को लच्छेदार बना लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही लच्छे में सारे आलुओं को बना लेने हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही बारीक लच्छे बना लेना है। अब हमारे आलू का लच्छा बनकर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, जो कि इसमें कलर लाएगा बहुत अच्छा। आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिर्च पाउडर लिया है, हमें मिर्च अपने स्वाद अनुसार लेनी है। दो चम्मच नमक लिया है, नमक भी हमें अपने स्वाद अनुसार लेना है। छोटा वाला चम्मच है, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, बहुत हमारे पास छोटा वाला चम्मच है, उसी से हमने लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने दो कटोरी पानी ऐड किया है। आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अब उबालेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसको हम हाई या लो फ्लेम पर रख सकते हैं। ऐसे ही हमें उबाल लेना है। अब हम हमारे आलू उबल रहे हैं, आलू लच्छा और मटर बाकी। यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं। मसालों को हमें लाल मिर्च है, सौंफ है, खड़ा धनिया, जीरा है, इसको हमें ब्राउन करना है। और बाकी के मसाले इस प्रकार से हैं। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च है, हरी धनिया हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने ली नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास है तो आप हरी धनिया ज़रूर डालें इसमें। यहाँ पर हमने खटाई ली है, वो भी हमारे पास बनाई हुई खटाई थी, जो इसका वीडियो हमने पहले बनाया था, हमारे पास है, इसमें चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी खटाई को हमने लिया है, इसको भिगो कर हमने रख दिया, इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में साले मसाले डालकर हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसे सिलबट्टे पर पीसेंगे। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी पर ही इसे पीसें। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्का दुरदरा मसाला हमें रखना है। आप देख सकते हैं ऐसा ही मसाला हमें रखना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत खुशबूदार हमारी लगता है खाने में। यहाँ पर हमने जो खटाई ली थी, खटाई को भी ऐसे ही हमें पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमारे पास मिक्सी थी नहीं, इसे ही हमने सिलबट्टे पर बनाया। आपके पास मिक्सी है तो उसी पर बनाएं। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें चटनी भी बनानी है। अब प्याज को हमें कट कर लेना है। प्याज हमें बहुत बड़ा नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज का प्याज हमें रखना है। ऐसे ही हमें बारीक प्याज कट कर लेना है। ऐसे ही हमको अब हरी मिर्च भी ऐसे ही कट करनी है। ऐसे कट करके रख सकते हैं हम। अगर धनिया हरी है तो वो भी ऐसे ही बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब मटर हमारी उबल कर बिल्कुल रेडी हो सकती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से इसमें कलर आया और बहुत अच्छी से ये उबल चुकी है। इसी में हम सारी सामग्रियां ऐड करेंगे। पहले तो हमने प्याज ऐड किया है, हल्का गर्म है इसीलिए हमने प्याज ऐड किया है। यहाँ पर हरी मिर्च हमने ऐड की है, हमारे पास सूखा हरा धनिया था उसी को हमने इसी में ऐड कर दिया है। आपके पास हरा है तो हरा डाल सकते हैं। बाकी का मसाला जो हमने पीसा था, थोड़ा मसाला इसमें ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि हमें अपने स्वाद अनुसार ही मसाला लेना है। चटनी भी इसी में हमें ऐड कर देनी है। आप खाएंगे तो बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे स्टैंडर्ड फूड सीता को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। ऐसे ही हमें सारे मसालों को अच्छे से इसी में मिला लेना है। अब हमारी लच्छा चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नमक भी हमें बहुत थोड़ा लेना है अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले से इसमें डाला था। अब आपको अगर जैसा लगता है वैसा डाल सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि हमें इसमें नमक डालना है या नहीं। आप देख सकते हैं बहुत देखने में ग्रेवी और बहुत ही टेस्टी लग रही है। इसको हम एक प्लेट में
सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं, देखो आप कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपने चाट मटर तो बहुत बार खाई हुई, एक बार मेरी तरीके से बनाकर जरूर खाइएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।